बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा शुभकामना है विदेश भी जाए, लेकिन हम अपनी शक्ति में, चूंकि व्यापार करना एक निश्चित तौर पे आप अगर व्यापार करते हैं और नौकरी करते हैं, इस डिफरेंस को समझना चाहिए। नौकरी कोई व्यक्ति करता है तो 8 घंटा घड़ी देख करके नौकरी करता है और 8 घंटा का वो मूल्य लेता है। अगर आप व्यापार करते हैं, जिस बात के लिए मुख्यमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है, बिहार को हर एक मामले में पूरे देश में 1-5 में करना और प्रथम 2 साल के अंदर 1-10 में लाना, अगले 4 साल के अंदर 1-5 में देश को लाना। और ये युवा साथी इतने लोग हैं कि हम घड़ी देख करके काम नहीं करेंगे। हम एक जो हमारे मन में है कि हम बिहार जो उपभोक्ता का राज है उसका उत्पादकता का राज बदल करके, मैक्सिमम टैक्स दे करके, अपने लोग को रोजी रोजगार परस्त बना करके, और बिहार सरकार का जो अनोखा प्रयास है पूरे देश में नहीं है, ताकि ये बिहार बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। अगर बिहार नहीं बढ़ेगा तो ये सपना रह जाएगा, और बिहार के जो उद्यमी है, बिहार के इस सपने को, मुख्यमंत्री के इस सपने को, आदरणीय लालू प्रसाद जी के सपने को, तेजस्वी के सपने को साकार करने के लिए आप आगे आवे। हमारे निदेशक उद्योग पंकज दीक्षित जी, हमारे निदेशक विवेक रंजन जी, हमारे विशेष सचिव दिलीप बाबू यहाँ उपस्थित इस सभागार में, युवा महिला, युवा पुरुष उद्यमी हमारे बीच, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और छायाकार बंधु, जो सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो आपने कोरोना काल में देखा होगा, बिहार नहीं अपितु पूरा विश्व तबाह था। लोग लौट रहे थे, बिहार को लौट रहे थे, और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पीड़ा था, वो पीड़ा इस बात का था कि हमारे लोग, जो हमारी क्षमता है सब में, हमारे लोग जो युवा है, युवतियां हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, उन्हें एक मौका ऐसा मिले कि हमारे बिहार में, बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा शुभकामना है विदेश भी जाए, लेकिन हम अपनी शक्ति में, चूंकि व्यापार करना एक निश्चित तौर पे आप अगर व्यापार करते हैं और नौकरी करते हैं, इस डिफरेंस को समझना चाहिए। नौकरी कोई व्यक्ति करता है तो 8 घंटा घड़ी देख करके नौकरी करता है और 8 घंटा का वो मूल्य लेता है। अगर आप व्यापार करते हैं, जिस बात के लिए मुख्यमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है, बिहार को हर एक मामले में पूरे देश में 1-5 में करना और प्रथम 2 साल के अंदर 1-10 में लाना, अगले 4 साल के अंदर 1-5 में देश को लाना। और ये युवा साथी इतने लोग हैं, इस सपने को साकार करने के लिए कि हम घड़ी देख करके काम नहीं करेंगे। हम एक जो हमारे मन में है कि हम बिहार जो उपभोक्ता का राज है उसका उत्पादकता का राज बदल करके, मैक्सिमम टैक्स दे करके, अपने लोग को रोजी रोजगार परस्त बना करके, और बिहार सरकार का जो अनोखा प्रयास है पूरे देश में नहीं है। और ये चारों जो हम देख रहे हैं, हर एक क्षेत्रों में ये दिया जा रहा है। आने वाला भविष्य माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अनाउंस करेंगे कि अगली जो योजना होगी, लगभग 97 लाख लोगों को जो ग्रास रूट से नीचे है उसे ऊपर उठाने का जो सोच है, वो पूरे देश में किसी राज्य में नहीं है। ये स्पष्ट बताता है पूरे बिहार जो 38 जिला है, 38 जिला में हर एक जगह, अगर हम मधुबनी से आते हैं, अगर मधुबनी पेंटिंग है, आप जानते होंगे 40 साल पहले उसे कोई जानने वाला नहीं था, लेकिन अभी बता दीजिए पूरे विश्व में ऐसा कोई अवार्ड नहीं है, नेशनल एंड इंटरनेशनल, जो मधुबनी पेंटिंग पर इतना ज्यादा अवार्ड किसी दुनिया में किसी आर्टिस्ट को नहीं मिला है, वो है मधुबनी। अगर आप अभी मिलेट्स का साल चल रहा है, मोटे अनाज का साल चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश हुआ, जीआई टैग हुआ, और आने वाला अगला साल जो होगा मखाना का साल होगा, तो बिहार का एक जिला पूरे देश दुनिया में चला जाएगा। उसी प्रकार मुख्यमंत्री जी का सोच है कि जो बचे हुए 37 जिला है उसे भी जो हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बना करके, बिहार के सभी चीजों का उत्पादकता जो है उसे विदेश में, देश में उस थाली तक पहुंचाने का काम है। और 12 डिपार्टमेंट किसी रोड मैप फोर का लक्ष्य था,
कि 12 डिपार्टमेंट मिल करके काम करें, और जो हमने बताया माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि अगले 2 वर्ष में पूरे देश में 10 राज्यों में आवे, और अगले 4 वर्षों में पूरे देश में 1-5 में ये आवे बिहार, उस बात के लिए हम समझते हैं कि दृढ़ संकल्प ले। ये हमारे सारे उद्यमी यहाँ पर है, और ये प्रण ले कि एक भी व्यक्ति ड्रॉप नहीं करे। ऋण कोई रसगुल्ला नहीं है, मिठाई नहीं है जो आप ऋण बर्बाद होगा। हम उम्मीद करते हैं हमारी महिला उद्यमी से कि 1 रुपया कहीं भी एनपीए नहीं होने दे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का जो प्रयास है, माननीय वित्त मंत्री का प्रयास है, बिहार में पहली बार 12% सबसे ज्यादा जो बैंक का पैसा बाहर यूटिलाइज होता था, बिहार में ही लोग अब चाहते हैं कि उद्यमी बने, और हम बैंक का पैसा भी, हम पूरे 38 जिले में उद्योग विभाग चपरासी से लेकर मंत्री तक लगा हुआ है कि आपके सेवा में, ताकि ये बिहार बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। अगर बिहार नहीं बढ़ेगा तो ये सपना रह जाएगा, और बिहार के जो उद्यमी है, बिहार के ही सपने को, मुख्यमंत्री के ही सपने को, आदरणीय लालू प्रसाद जी के सपने को, तेजस्वी के सपने को साकार करने के लिए आप आगे आवे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।